आप देख रहे हैं MP7 न्यूज़। सच तो सच है, हर खबर सत्यता पर आधारित। देखते रहिए MP7 न्यूज़। सांवलिया डिजिटल स्टूडियो, हमारी सेवाएं फोटोशूट, वीडियो शूटिंग, ड्रोन, क्रेन, LED वॉल, कैडी फोटोग्राफी, सिनेमेटिक प्रिंटिंग, पत्रिका कार्ड, वीडियो मिक्सिंग, मॉडलिंग फोटो, कप टी शर्ट, फ्लेक्स डिजाइनिंग, प्रिंटिंग व शादी पार्टी में कार्ड डेकोरेशन की जाती है। एक बार अवश्य पधारकर सेवा का अवसर जरूर दें। प्रोप्राइटर सुनील दायमा, मोबाइल नंबर 9399224626। ब्राह्मण मोहल्ला, सेंट्रल बैंक के पीछे, कुकड़ेश्वर, तहसील मनासा, जिला नीमच, मध्य प्रदेश। सांवलिया डिजिटल स्टूडियो। नमस्कार, मैं हूं शिवानी धाकड़। आप देख रहे हैं लाखों दर्शकों की पसंद MP7 न्यूज वेब एंड यूट्यूब न्यूज चैनल। देखिए प्रदेश स्तर की ताजा बड़ी खबरें। उज्जैन जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर उज्जैन बड़नगर रोड पर रेलिंग को तोड़ते हुए एक कार गंभीर नदी में गिर गई। हादसा रविवार सुबह करीब 8 बजे हुआ। कार नंबर UP78GH6324 है, जो कानपुर की है। बचाव दल ने गोताखोरों की भी मदद से कार को बाहर निकाल लिया है। कार अविनाश कुमार के नाम से रजिस्टर्ड है। गाड़ी में से 2 लोगों के शव मिले हैं, इनमें एक महिला और एक पुरुष है। दोनों की उम्र करीब 27-28 के बीच बताई जा रही है। कार बाहर निकालने के दौरान महिला आगे वाली सीट पर थी, जबकि पुरुष ड्राइविंग सीट से पीछे वाली सीट पर मिला। इनके नाम का पता नहीं चल पाया है। सूत्रों के मुताबिक ये लोग गुजरात के IG के रिलेटिव बताए जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक पुल पर किसी बड़ी गाड़ी के निशान हैं। ऐसे में आशंका है कि सामने से बड़ी गाड़ी ने कट मारी होगी, जिससे अनियंत्रित होकर कार रेलिंग तोड़ते हुए नदी में गिर गई। इंदौर शनिवार दोपहर एरोड्रम थाना पुलिस को CISF द्वारा एक व्यक्ति को मानसिक रोगी बताकर उसे जिला अस्पताल भिजवा दिया गया था, लेकिन वह हैदराबाद का कारोबारी निकला। हैदराबाद निवासी 40 वर्षीय रमेश 11 जनवरी को दर्शन करने उज्जैन आए थे, अब वह लापता है। उनके चाचा ने बताया कि उसे किसी ने खाने या प्रसाद में नशीला पदार्थ खिला दिया है, जिससे रमेश की हालत बिगड़ गई है। व्यापारी ने घबराहट में परिजन को कॉल किया, जिसके बाद परिजन ने 21 जनवरी का उसे फ्लाइट का टिकट भिजवा दिया। एयरपोर्ट पर चेकिंग के समय रमेश कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा था। इस पर यात्रियों ने रमेश की तरफ इशारा करते हुए बताया, यह मानसिक रोगी है, गलती से एयरपोर्ट के अंदर घुस आया है। CISF द्वारा उत्पात मचाने का आरोप लगाते हुए युवक को एरोड्रम थाने के सुपुर्द कर दिया गया। ग्वालियर वर्षों से सेंट्रल जेल की 4 दीवारों में बंद 30 बंदी इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर रिहा किए जाएंगे। ये वह बंदी होंगे जो सिंगल क्राइम के चलते सजा काट रहे हैं। इनका आचरण साफ सुथरा रहा है। जेल से निकलने के बाद ये लोग सीखे विभिन्न कार्यों के दम पर समाज में फिर से पहचान बनाएंगे। जेल मुख्यालय से नाम तय हो किए जा चुके हैं। इनमें ज्यादातर 12 से 14 साल की सजा भी काट चुके हैं। गणतंत्र दिवस पर झंडा वंदन के बाद इन्हें रिहा किया जाएगा।
जेल अधीक्षक मनोज साहू ने बताया, हर साल की तरह इस बार भी 26 जनवरी को 30 बंदियों की रिहाई होगी। जेल मुख्यालय से आए आदेश के बाद तैयारियां शुरू कर दी गई है। रिहा किए जाने वाले बंदियों को प्रमाण पत्र और जेल में काम कर कमाए गए रुपए भी उन्हें दिए जाएंगे। इस मौके पर प्रशासन शॉल श्रीफल देकर स्वागत भी किया जाएगा। भोपाल चुनाव में काले धन के इस्तेमाल से जुड़े केस में केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिली रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया तकरीबन पूरी कर ली है। जिन पुलिस अफसरों के नाम के आगे बड़ी रकम के लेन देन का जिक्र है, उनकी चार्जशीट तकरीबन तैयार हो गई है। 3-4 दिन में यह चार्जशीट उन्हें सौंपी जा सकती है। इसमें 3 आईपीएस अफसरों शोभन बनर्जी, संजय माने, वही मधु कुमार और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी अरुण मिश्रा के नाम के आगे लिखी गई उस राशि का जिक्र है जो सीबीडीटी की अप्रेजल रिपोर्ट में दर्ज है। यह राशि 20 करोड़ रुपए से अधिक है। चार्जशीट में व्हाट्सएप चैटिंग के साथ प्रतीक जोशी और ललित चालानी से हुए लेन देन के बारे में भी लिखा गया है। साफ है कि चार्जशीट जारी होने के बाद पुलिस अधिकारियों को लेन देन के साथ व्हाट्सएप चैटिंग पर स्पष्टीकरण देना होगा। एसपी ईओडब्ल्यू भोपाल रहते हुए अरुण मिश्रा मोबाइल पर प्रतीक जोशी के साथ बातचीत और लेन देन का भी उल्लेख चार्जशीट में किया गया है। ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से हर खबर आप तक आसानी से पहुंच सके।